आज हम सब भारतीयों के लिए काफी गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे इसरो ने PSLV C-51 को आज लॉन्च कर दिया है। आज भारतीय विज्ञान दिन के अवसर पर PSLV C-51 को लॉन्च कर दिया, जो कि PSLV का 53rd सैटेलाइट है। और आज जिस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया वो एक ब्राजील का सैटेलाइट था, जिसका नाम था Amazonia 1, जो कि ब्राजील के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया था। लेकिन साथ में हमारे कुछ 18 इंडियन सैटेलाइट को भी उसके साथ लॉन्च कर दिया गया है। और उन 18 सैटेलाइट में नरेंद्र मोदी जी की फोटो और उनका नाम और साथ में हमारे भगवत गीता को डिजिटली सैटेलाइट में डालकर लॉन्च कर दिया गया है। और साथ में बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम भी उस सैटेलाइट में लिखे गए और स्पेस में भेजा गया। तो आज के दिन को बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक दिन हम मान सकते हैं कि आज के दिन बहुत ही बड़ी चीज हुई है। इसरो का 2021 का ये पहला स्पेस सैटेलाइट लॉन्च इवेंट था। और भी काफी सारे लॉन्च इवेंट हमें इस साल देखने को मिलेंगे। पिछला साल काफी खाली साल गया था, लेकिन इस साल बहुत ही बढ़िया खबर सुनने को मिली है हमारे इसरो की तरफ से। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो ब्राजील का सैटेलाइट है, जो कि Amazonia 1 नाम से है। और तो इस सैटेलाइट की मदद से ब्राजील डिफॉरेस्टेशन पे ध्यान रखेगी। तो अमेजोन जंगल में काफी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अमेजोन जंगल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर अमेजोन जंगल गायब हो जाएंगे तो एक तरह से हम भी एक दिन दुनिया से गायब हो जाएंगे। अमेजोन जंगल पे हम बहुत डिपेंडेंट है, और अगर अमेजोन जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो एक तरह से हम भी खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट से ब्राजील अब अमेजोन जंगल पे ध्यान रखेगी। अमेजोन जंगल में जो पेड़ कम हो रहे वो क्यों कम हो रहे उस पर नजर रखी जाएगी, और डिफॉरेस्टेशन ना हो इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। इसरो ने इस मिशन में ब्राजील का साथ दिया और इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है आज। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और पूरी दुनिया की भी कामयाबी है, क्योंकि अमेज़न जंगल बचेंगे, पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।